जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पटना और हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन आज शनिवार के दिन शुरू होने जा रहा है। तो इसके विषय में आपको मैं फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि इस ट्रेन का कहां कहां पे स्टॉपेज होगा और कितने फेयर इस ट्रेन के होने वाले हैं और कब से इस ट्रेन का इनॉग्रेशन होने वाला है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों अगर बात करें पटना और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को आज यानी कि शनिवार के दिन दूसरा ट्रायल होगा। इसके बाद इसका किराया भी तय हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पटना और हावड़ा के बीच अगर चेयर कार की अगर हम बात करें तो 1460 रुपए के आसपास इसका फेयर होगा। साथ ही अगर एग्जीक्यूटिव क्लास की अगर हम बात करें तो 2650 रुपया कैटरिंग शुल्क समेत किराया कितना होगा ये कुछ दिनों में आपको मालूम चल जाएगा। इसलिए कि इसका जो फेयर हम आपको बता रहे हैं संभावित फेयर हैं, अभी इस पर कोई नोटिफिकेशन इंडियन रेलवे की तरफ से नहीं आया है। यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना रांची के मुकाबले तेज गति से दौड़ेगी। इसकी औसत रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। पटना रांची मार्ग पर वंदे भारत की रफ्तार 62 से 63 किलोमीटर प्रति घंटे ही है। पहले ट्रायल रन के बाद देखा गया कि पटना से हावड़ा के बीच इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर है जबकि न्यूनतम 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन के उद्घाटन से पहले रेलवे अफसर मार्ग पर बाधा दूर करने में जुटे हुए। हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का पटना में दो स्टेशनों पर ठहराव होगा। पटना जंक्शन से यह ट्रेन खुलेगी। इसके अलावा पटना साहिब में 2 मिनट के लिए इसका ठहराव होगा। इसके अलावा मोकामा लखीसराय जसीडी आसनसोल में 2-2 मिनट का स्टॉपेज होगा। यह शेड्यूल ट्रायल रन के लिए तय हुआ है। फाइनल समय सारणी अंतिम में जारी की जाएगी। अभी फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ इस ट्रायल रन के दौरान इसका जो ठहराव है वो दिया गया है। दोस्तों अगर पटना और हावड़ा के बीच और अगर हम बात करें इस ट्रेन की तो 6 घंटे में इस दूरी को ये वंदे भारत ट्रेन कवर करने वाली है। तो इसकी अगर टाइमिंग की हम बात करें तो पटना से सुबह 8 बजे यह ट्रेन खुलेगी। पटना साहिब 8:12 पर पहुंचेगी और 8:14 पर वहां से खुलेगी। मोकामा में 8:58 पर पहुंचेगी और 9 बजे वहां से खुलेगी। लखीसराय में 9:20 पर पहुंचेगी और 9:22 पर वहां से खुल जाएगी। जसीडी 10:58 पर पहुंचेगी और वहां से 11 बजे खुल जाएगी। आसनसोल में 12:13 पर पहुंचेगी और दोपहर 12:15 पर खुल जाएगी। वैसे ही हावड़ा में दोपहर 2:30 ये ट्रेन पहुंचेगी। वापसी में हावड़ा से 3:55 पर रवाना होगी। आसनसोल 5:51 पर पहुंचेगी और 5:53 पर खुलेगी। जसीडी रात 7:07 पर पहुंचेगी और 7:09 पर वहां से खुलेगी। लखीसराय में रात को 8:37 पर पहुंचेगी और 8:39 पर खुल जाएगी। मोकामा रात 9 बजे पहुंचेगी और यहां से 9:02 पर खुल जाएगी। पटना साहिब 9:50 पर पहुंचेगी और यहां रात 9:52 पर खुल जाएगी। और पटना जंक्शन रात के 10:35 पर वंदे भारत ट्रेन पटना जंक्शन पहुंच जाएगी। तो ये जो शेड्यूल है इंडियन रेलवे का, ये जो ट्रायल रन का शेड्यूल है ये मैंने आपको बताया है। ट्रेन जब शुरू होगी यानी कि कमर्शियल रन के लिए जब दौड़ेगी या इनॉग्रेशन में चलेगी तो इसका टाइमिंग भी कुछ बदल सकता है। साथ ही इसका जो फेयर है उसमें भी कुछ ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस ट्रेन की हम स्टॉपेज की बात करें तो जो मैंने आपको स्टॉप बताया है ये ट्रायल रन के दौरान इंडियन रेलवे का दिया हुआ अभी स्टॉपेज है। कमर्शियल रन में दौड़ने पर इसमें कुछ चेंजेस आपको या स्टॉपेज कुछ आपको नहीं देखने को मिलेंगी। अभी जो शेड्यूल है ये ट्रायल रन का है। आगे जो भी नोटिफिकेशन इस पर आएगा पटना हावड़ा वंदे भारत पर मैं आपको जरूर दूंगा। फिलहाल इस ट्रायल रन की जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।